अब हम इनका सिजेरियन कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप ट्राई करो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। और अगर बच्चे की अगर लगता है कि धड़कन कम हो रही है या और कोई तकलीफ हो रही है तो हमें तुरंत सिजेरियन का डिसीजन ले लेना चाहिए, ताकि जच्चा और बच्चा को सेफली डिलीवर कराया जा सके और किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो फाइनली सिजेरियन का डिसीजन लिया गया। और आप सिजेरियन जो कर रहे हैं वो स्पाइनल एनेस्थेसिया में कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। यस, वन सेकंड। ये देखो और हम सब खुश होते हैं। ये एक लाइफ में एक ऐसा क्षण है कि अगर बच्चा ना रोए तो हमें इतना दुख हो जाता है कि बच्चा नहीं रोया, दैट मींस कि बेबी इज नॉट हेल्दी, बेबी को कोई प्रॉब्लम है, बेबी को कोई अभी हो सकता है कि उसकी सांस की तकलीफ हो या और कोई तकलीफ हो, तो हमें उसके लिए कुछ मेजरमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद तो बच्चा रोए तो हमारे सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही एक ऐसा क्षण है, मोमेंट है, जब बच्चे का रोना हमें खुशी देता है, तो वो खुशी का पल है। इसलिए एंजॉय करो इस खुशी के पल को। इस फीलिंग को ना वर्ड में बता ही नहीं सकते, बहुत इमोशनल भी फील हो रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। फैमिली कंप्लीट हो गई अब। चलो बेबी इजियर। ये लो बेटी हुई है, बढ़िया है एकदम। 3.2 केजी है, फर्स्ट क्लास। It is a very awesome feeling when you're delivering your baby in your hand and giving to the mother or father. So you can see the happiness on their face, and this can be feeling to their heart also. That is an awesome feeling, and we are very much happy with our profession that God gives us some talent that we can deliver a life to another one. Thank you.